नमस्कार, जय गो माता मित्रों। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कई मित्रों के जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके कई मित्रों के फ़ोन आते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्र से, और वो कई अलग अलग पशुओं के कुछ बीमारियों के कुछ नॉलेज के लिए कुछ चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास देसी गायें हैं, तो कुछ सालों का मेरे पास जो नॉलेज है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ जितना हो सके उनको देसी दवाई या होम्योपैथिक भी यूज करता हूँ, और अगर इमरजेंसी हो जाए कभी ऐसा कुछ वजह से, तो मैं भी डॉक्टर की सलाह भी लेता हूँ, अच्छे डॉक्टर को बुलाता भी हूँ। ऐसा नहीं है, कई बार जैसे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और भैंसों के बारे में पूछते हैं और बकरियों के बारे में भी पूछते हैं। तो मित्रों, मैं ये आपको बता दूं कि जब मेरे को बकरियों या भैंसों का अगर नॉलेज नहीं या एचएफ गायों का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं गलत सलाह कैसे दे दूं। तो मैंने जैसे एक भाई साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने एचएफ गायों के बारे में मेरे को पूछा, तो न तो मुझे एचएफ गायों का नॉलेज है और न मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उनको गलत सलाह कैसे दे दूँ। तो उन्होंने बड़े नाराज़ हुए और मतलब एक नाराज़ लहजे में मेरे को ये बताया कि नहीं, आप तो ये बताना नहीं चाहते हो कि ये वो, कई प्रकार की बातें बोली। मैंने कहा अगर जब मुझे उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो भैया, मैं आपको बता दूं कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक गोपालक हूं। मेरे पास कुछ वर्षों का जो मैंने थोड़ा बहुत जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छा हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मित्रों, जब कई बार आप बताते हैं कोई आधी अधूरी चीज़ बता देते हैं, जैसे देसी गायों के बारे में भी, तो उसमें भी क्या है ना कि आप कई कारण हो सकते हैं कई बीमारी के, तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ बता देने के भर से ही अगर कोई मैं चीज़ बता दूँ कि आप ऐसा कर ले तो फ़र्क पड़ेगा, ये तो उसमें ये 100% कई बार फ़र्क नहीं पड़ता। कारण ये होता है कि आप गाय को बगैर देखे, उसकी बगैर मेडिकल हिस्ट्री जाने, आप जब एक जनरल वे में कुछ इलाज बता देते तो ठीक है, लेकिन अगर कई बार कोई स्पेशल केस होता है तो उसको बगैर देखे आप उसको 100% एकदम ठीक नहीं कर सकते। उस चीज़ को भी आप समझें। मतलब कई बार ये होता है कि जैसे एक उदाहरण दूं कि जैसे क्या होता है कि गाय का जो गोबर होता है वो पतला आने के दस्त लगते हैं कई बार, तो उसके कई कारण हो सकते हैं अलग अलग। जनरल वे में जैसे मैंने एक पीछे भी वीडियो डाला था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उसमें जैसे मैंने एक दो नुस्खे बताए थे, जैसे आप जो सेक के, जिसको अंग्रेजी में बारले कहते हैं, उसको सेक के ठंडा करके वो भी दे सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है, और छाछ में हल्दी मिला के उसको भी दे सकते, तो ये नुस्खे लगभग काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे कोई नीचे गिरने की वजह से, उसके पेट में चोट लगने की वजह से, उसको कई बार जैसे अपच होता है या अंदर कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, अच्छी तरह डीवर्मिंग नहीं होने की वजह से, कई रीजन हो सकते हैं, तो उस वजह से भी उसका पेट अगर गड़बड़ हो जाता है और उसको कई बार गोबर पतला आता है, तो उसमें क्या कि ऐसा नहीं, ये क्या है जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ वो जनरल वे में काम करते, लेकिन कई बार एक ऐसा कोई जिसको हम कह सकते हैं भाई स्पेशल केस आ जाता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कुछ अलग वजह से, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर की मदद नहीं लेता हूँ, मैं ज़रूर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में, क्योंकि जहाँ तक हो सके जो अपने आसपास की जो क्षेत्र में जो देसी दवाइयाँ मिल जाती है या होम्योपैथिक दवाई, उसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इस वजह से। क्योंकि मित्रों, मैं जो गाँव में ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो हमारे यहाँ दूध का उतना भाव नहीं मिलता, तो उस वजह से मुझे घी का प्रोडक्शन करना पड़ता, सिर्फ मैं बिलोने का घी बनाता हूँ। तो जो मेरे कस्टमर है उनको मैं चाहता हूँ कि शुद्ध घी मिले, उस वजह से मैं उनको गायों को एंटीबायोटिक या एलोपैथिक दवाएं कम से कम
जब तक कि इमरजेंसी नहीं हो जाए, जब तक कि अब मुझे इसके ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती कि बगैर अच्छे डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर के बगैर ये बीमारी या कुछ एक्सीडेंट के केस वगैरह उसमें जब ठीक होने की संभावना ही नहीं हो तब उस समय मैं बुलाता हूँ। जबकि मोस्टली 99% में सिर्फ देसी नुस्खे जो हमारे पूर्वजों के आजमाए हुए हैं और जिनको मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ समय समय पे और उसका रिजल्ट देखता हूँ, जो मेरे आजमाए हुए हैं वो उसी को मैं लोगों को बताता हूँ। जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुस्तकों में बहुत अच्छे सारे नुस्खे लिखे होते हैं, अलग अलग उसमें जो चीज़ें बताई गई होती है उसमें आप पंसारी की दुकान पर ये जाके खरीद लो वो खरीद लो, महंगी चीज़ें भी होती है कई चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें मेरी अगर आजमाई हुई नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बताता हूँ। क्योंकि सिर्फ आप किताब से पढ़कर किसी दूसरे को बता दें तो उससे नुकसान हो जाता है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे देना है, कई बहुत सारी चीज़ें ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, कौन से मौसम में कैसे देना है, बछड़े बछड़ी की कितनी मात्रा हो, उसकी उम्र के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार, तो कई चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो मैं भी जो प्रयोग करता हूँ उस प्रयोग के अनुसार ही मैं किसी को सलाह देता हूँ। तो मित्रों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी मजबूरी आप समझ रहे होंगे, मैं भी आपकी तरह गोपालक ही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, उस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल के मार्फत आके आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। तो आप मेरे को ज़रूर पूछे, कोई भी सवाल पूछे ज़रूर पूछे, फ़ोन भी ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कई बार जैसे मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ कोई चीज़ के बारे में, तो उसको आप पॉजिटिव लें, उसको आप नेगेटिव नहीं लें, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता ही नहीं उसके बारे में आपको गलत सलाह दूँ तो ये अच्छा नहीं रहता है ना, इस बात को आप समझें। आशा है मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता मित्र।